भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाव के प्रचार अभियान का बिगुल बजाते हुए बूथ महासंपर्क अभियान का शुभारंभ किया। अभियान का शुभारंभ राजधानी के आराध्य देव गोविंद देव जी मंदिर से केंद्रीय मंत्री और राजस्थान के चुनाव प्रभारी प्रकाश जावड़ेकर ने पूजा अर्चना के साथ किया। इसके बाद जावड़ेकर ने विभिन्न कॉलोनियों में जाकर लोगों से जनसंपर्क किया और सरकार की योजनाओं की जानकारी देते हुए चुनाव में भाजपा के पक्ष में मतदान करने की अपील की। आपको बता दें कि 2 नवंबर से 4 नवंबर तक आयोजित होने वाले भाजपा के इस अभियान के तहत प्रदेश के सभी बूथों पर भाजपा कार्यकर्ता, पदाधिकारी, विधायक, सांसद और मंत्री आम जन से जनसंपर्क कर भाजपा के पक्ष में मतदान करने की अपील कर रहे हैं। भाजपा का लक्ष्य है कि 4 नवंबर तक प्रदेश के 1 करोड़ लोगों से संपर्क साधा जाए। गोविंद देव जी मंदिर में आकर हमेशा ही बहुत प्रसन्नता होती है। पिछले प्रवास में मैंने गढ़ गणेश जी का भी दर्शन किया था। अब आया हूं यहां और यहां से नजदीक आज हमारी पार्टी के तरफ से हम कैंपेन शुरू कर रहे हैं, जो कैंपेन है घर घर जाकर जनसंपर्क करना। तो ये महाजनसंपर्क कैंपेन आज से शुरू हो रही है सब जगह, राजस्थान के सभी बूथों में हर जगह 5, 15, 25 कार्यकर्ता इकट्ठा कर घर घर जाकर मुख्यमंत्री, पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह जी का पत्र, पार्टी के यहाँ के अध्यक्ष सैनी जी का पत्र, मुख्यमंत्री वसुंधरा जी का पत्र और हमारे सरकार के किए हुए काम, ये सब जानकारी घरों घरों में देंगे। और ये आज से संपर्क शुरू हो रहा है। आज लगभग सारे विधानसभा क्षेत्र में सभी बूथों पर ये कार्यक्रम शुरू हो रहा है। लाखों कार्यकर्ता आज इसमें शामिल हो रहे हैं। ये कार्यक्रम 2, 3 और 4 तीन दिन चलेगा और यही हमारी मूल ताकत होती है। भाजपा के इस कैंपेन के बारे में क्या कहना है राजनीतिक विश्लेषक अनिल लोढ़ा जी का, आइए जानते हैं। जनता पार्टी के लिए जैसे हमने कल भी कहा था चुनाव की इस बातचीत के अंदर कि उनके पास में जमीनी पकड़ जबरदस्त है, बूथ लेवल पर कार्यकर्ता, मंडल लेवल पर कार्यकर्ता, आरएसएस का पूरा नेटवर्क, और उनका जो काम करने का तरीका होता है वो जनसंपर्क 1-to-1 मैन टू मैन मार्किंग करते हैं। वो जैसे हॉकी में होती ना, एक खिलाड़ी को एक खिलाड़ी मार्क करके रखता है, ऐसे वो मैन टू मैन मार्किंग करते हैं। एक एक आदमी 10-10 लोगों में, 10-10 गरीबा घर में जाएगा, परिवार में उनसे बात करेगा, संवाद करेगा, बजाय बड़े भाषण बड़ी रैलियों के वो घर घर जा करके लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि जो एंटी इनकम्बेंसी है वो लोगों के दिलों में है, वो जिन लोगों के दिलों में, वो घर से बाहर नहीं आते, सभाओं में नहीं आते, तो वो कुछ सुनते नहीं है, कुछ जानते नहीं है, कुछ उनको बताया नहीं जा सकता जब तक उनके घर घर जाकर संपर्क नहीं किया जाए और उनके रोष को कम नहीं किया जाए। तो ये आज प्रकाश जावड़ेकर ने जो शुरू किया है ये अभियान, गोविंद देव जी के मंदिर से चल के और जो मतदाता भगवान है उस तक जाएगा और मतदाताओं को समझाने की कोशिश होगी। लेकिन अगर मतदाता कुछ सवाल करेंगे तो लोग क्या जवाब देंगे, कई मामलों में ये बात देखने में आएगी सामने कि लोग उनके उस जवाबों से संतुष्ट होते हैं या नहीं होते हैं। बाजार की जो हालत है, जैसा 5 साल शासन रहा है उसके प्रति जो असंतोष है, राजपूतों का रोष है, कई सारे मुद्दे हैं जिन पर लोग सवाल कर सकते हैं। लेकिन वोट डालने से पहले अगर उनके मन का उबाल निकाल दिया जाए तो हो सकता है भाजपा इस बात में सफल हो जाए कि उनको मुख को जो विमुख हो रहे हैं उनको अब मुख अपनी तरफ कर सके और ये बड़ी सफलता होगी। इस तरह वैन टू मैन जाके भाजपा के कार्यकर्ता वर्क करेंगे, होमवर्क करेंगे और सभी विधायकों को और सभी लोगों को भेज दिया गया इलाकों में, इससे उनकी पकड़ का भी पता चल जाएगा और वो कितने सफलता प्राप्त करते हैं इसी पर भविष्य। अनिल जी, कितना फायदा मिलेगा इस महाअभियान से भाजपा को? इसमें खास बात यह है कि दिवाली का माहौल है, रामा श्यामा का दौर चलता है, लोग गले मिलते हैं, एक दूसरे का स्वागत करते हैं, बैर बुला देते हैं आपस में, और ऐसे त्यौहार के वक्त पे कोई भी किसी के प्रति रोष नहीं रखता, अच्छे माहौल में मिलना चाहता है, मिठाई का, पटाखों का, रोशनी का त्यौहार है सामने, तो इसलिए कोई रोष होगा भी तो लोग उसको इस तरह अभिव्यक्त नहीं करेंगे जिस आक्रोश को लोग अभिव्यक्त करते उग्रता के साथ अगर दिवाली के बाद लोग वोट मांगने जाते। तो ये वोट मांगने से पहले की कवायद है और हर उस व्यक्ति को कमल का निशान लेके भेजा जा रहा है जो टिकट मांगना चाह रहा है। अब टिकट तो एक को मिलेगा, लेकिन आज अगर उसमें से 6 आदमी 7 में से
अगर टिकट मांगने के लिए कन्विंस करके आ गए तो वे फिर बगावत करके किस मुंह से कहेंगे कि भाजपा को वोट मत दो। तो भाजपा उनको भी, जो प्रत्याशी हैं टिकट के दावेदार हैं, उनको भी उनका प्री कमिटमेंट ले रही है एक तरह से कि वो पार्टी के साथ बने रहेंगे, मतदाता के सामने पार्टी के लिए जाकर अभी से वोट मांगेंगे, तो जब टिकट नहीं मिलेगा तो कैसे कहेंगे कि वोट मत दो। तो इसलिए भाजपा का ये रणनीतिक फैसला है और रणनीतिक फैसले में उसने अपने सभी कार्यकर्ताओं को, टिकटार्थियों को, सबको जोत दिया है। आने वाले समय में दिवाली के बाद पता लगेगा जब टिकट बटेंगे कि इसका कितना असर होता है, कितना फ़ायदा भाजपा को मिलता है।